हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ आज हम लोग की फर्स्ट ऑफिशियल इंट्रोडक्टरी क्लास है, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस कैसे हम लोग कवर कराएंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर मैं सारे आपके डाउट्स लगभग क्लियर करने की कोशिश करूँगा एंड आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग कि यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्स कितना लंबा खिंचेगा, कब तक चलेगा, कब से स्टार्ट होगा। काफ़ी सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने परचेज ऑलरेडी कर लिया है, कुछ लोग अभी मूड बना रहे होंगे परचेज करने का, तो आप इमीडिएटली परचेज कर लीजिए क्योंकि एक्सक्लूसिवली CIL के बैचेज हैं और हम लोग यहाँ पर बहुत इफेक्टिवली आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं एक स्पेशलाइज्ड एंड्रॉयड ऐप पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक एंड्रॉयड ऐप की, ठीक है। तो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दिया है और जिन्होंने डाउनलोड कर लिया होगा, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो उनके लिए तो इट इज़ गुड। बट जो लोग सोच रहे हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इट इज़ अप टू यू। वैसे मैं आप लोग से कहूँगा कि 999 का जो हमारा कोर्स है, ये बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है। तो इस एंड्रॉयड ऐप पर ही हमारे ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं चलेंगे, ठीक है, जहां से आप इनको एक्सेस कर पाओगे। तो आप इस वीडियो मतलब ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। अब सबसे पहली बात करते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर की या किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आते हैं हम उसके न्यूमेरिक्स पे, न्यूमेरिकल लगाएंगे या फिर करेंगे हम उसके क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत कन्वेंशनल मेथड है, ये बहुत कन्वेंशनल तरीका है, नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग इस बार थोड़ा सा ये चेंज कर रहे हैं, चेंज इन द सेंस क्योंकि अभी अभी आप गेट देकर चुके हो, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि थ्योरी अप्रॉक्सिमेटली आपके दिमाग में फ्रेश होगी, ठीक है। थ्योरी आपके दिमाग में काफी ज्यादा फ्रेश होने वाली है, तो हमें बहुत ज्यादा एकदम थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन ये है, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं पढ़ेंगे थ्योरी, क्योंकि अगर थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, वेस्ट इन द सेंस इसमें टाइम इनपुट बहुत है और आपको पता है यू हैव अप्रॉक्सिमेटली 2 months इन हैंड, या मान के चलिए 1.5 months इन हैंड, तो उसमें सिलेबस को फिर कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां जो हमने थ्योरी लगाई है वो लगाया है रिवर्स इंजीनियरिंग थ्योरी, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड सारी थ्योरी और प्लस जो थ्योरी बच जाएगी वो थ्योरी भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो क्योंकि आपने अगर CIL का पेपर देखा होगा, CIL 2017 का अगर आपने पेपर देखा हो, तो उसमें बेसिकली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही थे, ठीक है। वहां पर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, वहां पर न्यूमेरिक पोर्शन बहुत कम था। मान के चलते हैं वहां पर 85:15 का रेशियो था, न्यूमेरिकल इज सॉरी ये था आपका थ्योरी इज टू न्यूमेरिक का, ठीक है। तो 85:15 या कह सकते हैं 90:10 का भी, ये तो मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहा हूं क्योंकि मैंने पेपर देखा था एक झटके में ऐसे, तो आप इसको 90:10 ही मान के चलिए, ठीक है। दिस इज 90:10। तो अगर आप इसको गेट से कंपेयर करोगे तो गेट के पैटर्न से बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न है। गेट में आपका बेसिकली न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसे सॉल्व करने वाली बात बहुत नहीं थी 2017 का अगर हम पेपर एनालाइज करें तो, ठीक है। तो यहां पर 90:10 का रेशियो रहा थ्योरी टू न्यूमेरिकल का। तो इस बार भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होगा, तो हमारी इस बार जो अप्रोच होगी वो रिवर्स अप्रोच होने वाली है। इसका मतलब है हम यहां पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे लर्न करेंगे हम थ्योरी, ठीक है, उससे लर्न करेंगे हम थ्योरी। और मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो कि आपको एक पर्टिकुलर थ्योरी को कवर कर रहे होंगे, तो जो नहीं कवर होगी थ्योरी क्वेश्चंस के थ्रू वो अलग से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम लोग इस बार अप्रोच अपना रहे, क्योंकि बहुत से हम लोग के RRB JE के टाइम पे भी बच्चों ने कहा था कि सर प्लीज प्रॉब्लम्स कराइए, तो वहां से हम लोगों ने थोड़ा ये चीज रियलाइज करा कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग अपने इस बार पेड कोर्स में इस चीज पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, दैट इज न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। अब ये जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन भी होगा, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होगा, दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस आपके यहां पर हम लोग सॉल्व करवाएंगे। ऑलराइट, तो जैसे हम लोग ने कुछ मैं स्टेप्स में बात करूं, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा एक होगा लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 को हम लोगों ने बिगिनर लेवल दिया है,
बिगनर, ठीक है। तो बिगनर लेवल में हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने एक सब्जेक्ट उठाया लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का हमारा जो सबसे पहला चैप्टर मान लीजिए बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में से कम 60 या 50 प्रॉब्लम्स हम लोग थियोरिटिकल लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, सबसे इसका जो ए पार्ट होगा, तो पूरे सब्जेक्ट अगर ऑन एन एवरेज पूरे सब्जेक्ट की बात करें तो पूरे सब्जेक्ट में लगभग आपको 300 से लेके 450 प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है। 300 से लेके 450 प्रॉब्लम्स आपके पूरे एक कंप्लीट सब्जेक्ट में से मिलने वाले हैं। कैसे प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं आपको, ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है, इससे पूरा हम लोग कवर करेंगे आपका थ्योरी। तो यहां से पूरा हम लोग आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमने कराया उससे रिलेटेड थ्योरी हम बताएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत चीजें और यहां पर बताई जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज हो गई, तो हम लोग ये बिगनर लेवल, ये लेवल वन की प्रॉब्लम्स होंगी जो हमारी 300 से 450 के बीच में वैरी करेंगी पर सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट में इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग बेसिक या बिगनर लेवल पर लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड जो हमारा पार्ट होगा, ये तो हमारा लेवल वन हो गया, जो हमारा लेवल टू होने वाला है, जो हमारा लेवल टू होगा वो होगा एडवांस्ड लेवल, वो होगा एडवांस्ड लेवल। तो एडवांस्ड लेवल में क्या होगा, अब आपने 350 से 400 प्रॉब्लम जब थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, अब हम एडवांस लेवल में क्या करेंगे, गुड पी वाई क्यू ऑफ गेट, ठीक है। गेट के जो अच्छे पी वाई क्यूज हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं वो यहां पर कराए जाएंगे, प्लस न्यूमेरिक्स, ठीक है, प्लस यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, प्लस यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहां भी आपको मान के चलिए लमसम 100 प्रॉब्लम या 70 से लेके, इट विल वेरी बिटवीन 70 to 100 प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो 70 या मान के चलिए 70 to 80 तक रहेगा, ठीक है, 70 to 80 प्रॉब्लम्स तक हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पी वाई क्यू ऑफ गेट भी होगा प्लस आपके कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर दो लेवल होंगे, लेवल वन होगा फिर लेवल टू होगा, लेवल वन को बिगनर लेवल नाम दिया है। यहां पर 300 से 450 प्रॉब्लम्स कराएंगे, ये थ्योरी बेस्ड होंगी, ठीक है, दे विल बी मेनली थ्योरी बेस्ड, ये थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी पूरे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए हर टॉपिक में से लाइक 50-40 प्रॉब्लम्स हर टॉपिक में से, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जब हम एडवांस लेवल में आएंगे तो यहां पर गुड पी वाई क्यू ऑफ गेट, गेट के पहले के जो क्वेश्चंस आए अच्छे क्वेश्चंस वो लगाएंगे, प्लस न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स और लगाएंगे, तो लगभग 70 से 80 प्रॉब्लम्स आपकी यहां पर लग जाएंगी, ठीक है। तो ये दो लेवल में हम लोगों ने अपने लेक्चर्स को बांटा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, ये पॉइंट वन था, पॉइंट वन में तो हमने बताया कि कैसे कितनी प्रॉब्लम्स लगवाएंगे, ठीक है, कैसे थ्योरी चलेगा उससे। अब यहां पर सेकंड पार्ट आता है कि इतने में तो आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक है, इतने में तो आपका सब्जेक्ट यहां पर फिनिश हो गया। अब सब्जेक्ट फिनिश हो गया तो उसका क्या करना है, हमें रिविजन करना है, रिविजन ऑफ कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एट लास्ट। लास्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का सब कुछ हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, उसके लास्ट में जाके हम पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट यहां पर हम लोग रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तभी उसी के बाद, ऐसा नहीं कि पूरे सिलेबस के लास्ट में, ऐसा नहीं होगा, उसी सब्जेक्ट के लास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना सब्जेक्ट यहां पर हम लोग रिवाइज कर लें, ठीक है। तो सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो जाएगा कहां पर, एंड पर, ठीक है। अब ये जो, अब कुछ लोगों को ये पूछना होगा कि सर क्लासेस हमारी लाइक बोर्ड पे चलेंगी, डिजिटल बोर्ड होगा या क्या चीजें होंगी। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर कोई इंसान आपको अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एनीवन हो सकता है, मैं बहुत बुरा पढ़ाता हूं, या हो सकता है कोई मिस्टर एक्स या मिस वाई बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो अगर आपको चाहे मैं कंप्यूटर से पढ़ाऊं, अगर आपको मैं बोर्ड पर पढ़ाऊं, अगर मैं आपको कैसे भी पढ़ाऊं, ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आप फॉलो कर पा रहे हो, आप आउटपुट अच्छा दे पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो वो चीज मैटर नहीं करती कि हम चाहे डिजिटल बोर्ड पर क्लास लें, चाहे तो हम कैसे भी क्लास लें। तो जो हमारी क्लासेस होंगी, दे कैन बी ऑन व्हाइट बोर्ड,
ठीक है, दे कैन बी ऑन व्हाइट बोर्ड और दे कैन बी डिजिटल पीपीटीज, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखना, ठीक है, वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मोस्टली हम लोग जो क्वेश्चंस वाला पार्ट करेंगे वो हम लोग अपने कंप्यूटर से ही करेंगे, ठीक है। तो वो एक बढ़िया आपको मिलेगा सारी चीजें, उसकी आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो मोबाइल पर रेजोल्यूशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, 1080 या मिनिमम 720 तो रहेगा ही रहेगा, इससे नीचे रेजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने सारे प्रॉब्लम्स लगा लिए, आपने अपने सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन भी लास्ट में कर लिया, उसके बाद क्लासेस भी मैंने बता दिया कि किस पर चलेंगी, व्हाइट बोर्ड पर भी हो सकती है, क्योंकि देखिए इस समय ठंड बहुत है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो खड़े होकर मतलब पढ़ाना फॉर वेरी लॉन्ग इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम लोग कंप्यूटर का भी सहारा ले लेंगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहां पर बात करें, ये जो क्वेश्चंस हमारे होंगे ना, ये जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो आपके ऐप में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपके ऐप में ही आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएं, पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हालांकि आप ये जो नोट्स हो मतलब नोट्स हैं हार्ड कॉपी में भी परचेस कर सकते हैं, वो सारी चीज का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, हार्ड कॉपी में भी आप परचेस कर सकते हो, और क्योंकि ये पेड कोर्स रहेगा सारी चीजें राइट प्रोटेक्टेड रहेंगी, एनक्रिप्टेड रहेंगी, तो हम लोग यहां पर पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जो आप अपने मोबाइल पर एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स भी हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं, ये चीज हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, तो ये भी आपको मिल जाएगा, क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा, क्लासेस मैंने बता दिया। अच्छा, जैसे आपने स्पीडअप पे देखा होगा, राहुल ने बताया हुआ है कि क्लासेस का जो एवरेज ड्यूरेशन है दैट विल बिटवीन वेरी बिटवीन 40 to 45 minutes, ठीक है, 40 to 45 minutes की हमारी ऑन एन एवरेज एक क्लास हुआ ही करेगी, और डेली आपको 3 to 4 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, डेली आपको 3 to 4 क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है, ये आपको क्लासेस मिल जाएंगी, या अगर कभी बहुत दिक्कत आ गई, तबीयत सही नहीं, तो मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा, वैसे ऐसा होगा नहीं, दिस इज माय प्रॉमिस कि डेली आपको मिनिमम 3 क्लासेस तो मिले ही मिले, क्योंकि सिलेबस हमें काफी ज्यादा कवर करना है, तो चीजों को कवर करने के लिए यहां पर हमें थोड़ा सा अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 40 से 45 मिनट्स की क्लासेस हो गई, आपके स्पेशलाइज्ड एंड्रॉइड ऐप पर चलेंगी, रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोग इस पर लगाने वाले हैं, मतलब न्यूमेरिकल से कोशिश करेंगे थ्योरी को समझना, और ऐसा नहीं कि थ्योरी आपको आती नहीं है, ये आपका भ्रम है कि पहले हम थ्योरी अच्छे से पढ़ लें फिर हम न्यूमेरिक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चंस उठाइए क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आप एकदम फ्रेश स्टार्ट नहीं करें। कुछ लोग हो सकता है कि जो जिन्होंने जॉब कर रहे हो 3-4 साल से, हाँ उन लोग के लिए यहां पर थोड़ा समय बता दूं, जैसे जो लोग जॉब कर रहे थे, ठीक है, जॉब कर रहे थे उनके बिल्कुल टच में नहीं थे टेक्निकल के, अब वो फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तो इस तरीके से क्लासेस को रखेंगे कि वो भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप लोगों का एक WhatsApp या फिर Telegram ग्रुप हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, जितने लोग ज्वाइन करेंगे, तो अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी फीडबैक होता है, तो आप वहां पर शेयर कर दीजिएगा, वो अभी ये सब चीजें प्रोसेसिंग में है, ये सब आगे हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीडीएफ नोट्स का भी हम लोग का चल रहा है, ये आप लोग मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस का तो पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 40 से लेके 45 मिनट्स की क्लासेस होंगी, 3 to 4 क्लासेस ऑन एन एवरेज आपको डेली यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रफ रोड मैप कि किस तरीके से हमें चलना है, ठीक है, रफ ये हो गया आपका रोड मैप कि किस तरीके से हमें यहां पर चलना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं कि हमारा सिलेबस कब से स्टार्ट हो रहा है, सबसे बड़ी बात, when are we going to start with the syllabus, ठीक है, और medium of communication, let me tell you, medium of communication, मतलब कौन से मीडियम में पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो टर्मिनोलॉजीज तो इंग्लिश में रहेंगी, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो इट वुड बी लाइक इंग्लिश प्लस हिंदी, तो इन शॉर्ट इट इज हिंग्लिश, ठीक है, इन शॉर्ट इट वुड बी लाइक हिंग्लिश में रहेगा पूरा आपका,
ठीक है, जैसे आरआरबी जेई के टाइम पे हम लोगों ने किया था, इंग्लिश हिंदी मिक्स था वैसे ही। तो लेक्चर्स जो आपको रहेंगे फ्रेश रहेंगे, वो एग्जैक्टली सीआईएल के लिए रहेंगे, वो आरआरबी जेई वाले नहीं होंगे, वो गेट के नहीं होंगे। आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाकर देखें पर्सनली, तो वहां पर मैंने सारी चीजें कवर की हुई है। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं सीआईएल के लिए, तो लेक्चर्स आपको सीआईएल एक्सक्लूसिव मिलने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए अब फिर हम लोग स्टार्ट कब से करेंगे? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7th January से, ठीक है, 7th January से। क्योंकि कुछ लोग का शायद 5th तारीख को कोई पेपर है बता रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी काफी लोगों ने कि सर आप 7th के बाद स्टार्ट करिएगा, मतलब 5th के बाद स्टार्ट करिएगा। तो हम लोगों ने यहां पर 7th January से स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है बीच में कुछ भी वीडियोस नहीं आएगा, ठीक है। बीच में हम लोग वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, जहां पर हम लोग स्ट्रेटजी की बात करेंगे, सिलेबस में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या हम पढ़ लें, क्या हम छोड़ दें, क्योंकि 100% सिलेबस कवर कर पाना इट्स अ बिट टीडियस टास्क। लेकिन हम लोग वहां पर यह भी चीज डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, क्या पोर्शन पे थोड़ा कम फोकस करना है, या क्या आप लीव आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी वीडियोस हमारे आते रहेंगे। तो स्टार्ट होगा हमारा 7th January से, और एंड होगा कब हमारा? एंड होगा हमारा सीआईएल एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है। इट विल एंड वन डे बिफोर द सीआईएल एग्जाम। तो सीआईएल का एग्जाम जिस दिन होगा उससे एक दिन पहले तक हम लोग पूरा आप लोगों को निचोड़ के रख देंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल निचोड़ के पढ़ाई करनी है इस बार, और बहुत, क्योंकि ये पेड कोर्स है, तो पेड कोर्स में कोई भी ढिलाई ना मेरी तरफ से बर्दाश्त की जाएगी, ना आपकी तरफ से बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि आपने इसे परचेस किया है, ठीक है। आपने किसी चीज को अगर परचेस किया है तो आप उसका फुल यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। यू हैव टू फुल्ली यूटिलाइज इट। और यहां पर मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि जो आप डाउट पूछें या आप जो क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है, वो आपका इतना हाईफाई नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी दैट ऑफ गेट लेवल, ठीक है। गेट के क्वेश्चंस आपने किए हैं, वहां से आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलने वाला है कि आपको सिलेबस तो पूरा ऑलरेडी आ ही गया, ठीक है। गेट के प्रॉब्लम्स अगर आपने लगा ली तो घूम फिर के प्रॉब्लम्स उसी में से आना है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हम लोग, मैंने बताया ना, 300 से लेके 450 प्रॉब्लम्स कराएंगे, वो थ्योरेटिकल बेस्ड अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, जो आपका पूरा सिलेबस एक्सटेंसिवली कवर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट होगा हमारा 7th January से। उसके पहले हम लोग बीच में स्ट्रैटेजी के वीडियोस, सिलेबस एनालिसिस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस एनालिसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। और एंड कब होगा कोर्स का? वो सीआईएल एग्जाम के एक दिन पहले हो जाएगा, ठीक है। कोशिश ये करेंगे, आई विल ट्राई कि 7 days बिफोर, 1 week बिफोर, एक हफ्ता पहले, मतलब आपका पेपर से एक हफ्ते पहले पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, और फिर हर एक दिन एक एक पूरा सब्जेक्ट उठा के फिर से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। फिर से रिवाइज आपको यहां पर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी चीजें आप लोगों को मैंने इसमें बताई। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अगर कुछ होता है तो आई विल टेल यू, ठीक है। प्लान आउट हम लोग कर रहे हैं, ऑलराइट, हम लोग प्लान आउट इस चीज के लिए कर रहे हैं, और जैसे अगर कुछ होता है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग तो मैं आप लोग को यहां पर बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा चिट्ठा। अच्छा, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होगा? वॉट विल बी द फर्स्ट सब्जेक्ट जिससे हम यहां पर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस में या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा, देखिए मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा दे रहा हूं, ठीक है, क्या क्या हम लोग, और मैं क्या इस बार फॉलो करूंगा यहां पर। तो हम लोग यहां पर फॉलो करने वाले हैं HFSL का मतलब है हार्ड फर्स्ट सॉफ्ट लास्ट, मतलब जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है उसको पहले कवर करेंगे और जो सॉफ्ट सब्जेक्ट है उसको लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। ये है हार्ड फर्स्ट सॉफ्ट लास्ट। सबसे पहला जो हम लोग करेंगे स्टार्ट, दैट इज वी विल स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन्स हम सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे सोम, फिर आएगा हमारा FM, ठीक है, तीसरा आएगा हमारा FM प्लस मशीनरी, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, FM आ गया, फिर आ गया हमारा मशीनरी, फिर आएगा हमारा थर्मो, फिर आएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फिफ्थ हमारा होगा इंडस्ट्रियल, फिफ्थ हमारा होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फिर हमारा होने वाला है HMT, सिक्स्थ होगा हमारा
एचएमटी, सेवेंथ होगा कास्टिंग प्लस वेल्डिंग, ठीक है, सेवेंथ होगा हमारा कास्टिंग एंड वेल्डिंग, फिर होगा हमारा एट्थ होगा मेटल फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्मिंग प्लस मशीनिंग, मेटल फॉर्मिंग हो जाएगा, मेटल कटिंग, मशीनिंग एंड नॉन कन्वेंशनल पार्ट, ठीक है, फिर नॉन कन्वेंशनल पार्ट। नाइन्थ हो जाएगा हमारा यहां पर आरएसी, नाइन्थ होगा हमारा आरएसी प्लस आईसी इंजन प्लस पावर प्लांट, ठीक है, तो आरएसी, आईसी और पावर प्लांट हमारा नाइन्थ नंबर पे होगा। उसके बाद टेंथ जो होगा हमारा वो होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे लास्ट में होगा, मतलब और 11वें नंबर पे होगा मेट्रोलॉजी, ठीक है, मेट्रोलॉजी। तो ये देखिए कोई जरूरी नहीं कि मेट्रोलॉजी के भी 350-400 क्वेश्चंस हो, डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट का वेटेज, तो सब्जेक्ट का वेटेज बहुत कम है, क्वेश्चंस तो यहां पर करेंगे, हो सकता है 200 करें, हो सकता है 150 करें, लेकिन कवर तो करेंगे। मैकेनिक्स कुछ लोग कहेंगे सबसे पहले पढ़ाओ, ठीक है, मैकेनिक्स को लोग सोचते हैं सबसे पहले पढ़ना चाहिए, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने क्वेश्चंस आपके सीआईएल 2017 में आए थे वो बहुत बेसिक मैकेनिक्स पर बेस्ड थे, 11th 12th वाली, वो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन हम लोग कवर तो करेंगे, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी होगी, सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द थ्योरी ऑफ मशीन्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स में यहां हम लोग ये स्टार्ट करेंगे और इससे आगे फिर बढ़ेंगे, तो हार्ड सब्जेक्ट पहले आ जाएंगे, फिर सॉफ्ट सब्जेक्ट हम लोग ने लास्ट पे रखा हुआ है, ये जिसका वेटेज कम होता है उसको हम लोग ने लास्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। नॉन टेक्निकल के लिए आप स्पीडअप को फॉलो करते रहिए, नॉन टेक आप वहां से पढ़िए, यहां सिर्फ और सिर्फ मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल सेक्शन, तो टेक्निकल मैं यहां पर आप लोगों के साथ कवर करूंगा। तो कितने लेक्चर्स हो जाएंगे, कुछ लोग पूछेंगे सर हाउ मेनी लेक्चर्स इन टोटल, तो इन टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 150, अप्रोक्सीमेटली 150 डज नॉट मीन कि एग्जैक्ट डॉट 150, ऐसा नहीं होगा, 150 से ज्यादा भी हो सकता है, 150 से कम भी हो सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली मान के चलिए ज्यादा ही होगा, कम नहीं होने वाला, 150 लेक्चर्स प्लस रहेगा आपका, ये पूरा हम कवर करेंगे 2 महीने में, ठीक है। मान लीजिए हम 300 लेक्चर बोल देते हैं, मान लीजिए 300 लेक्चर हम बोल देते हैं डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, 30 डेज होते हैं, तो 10 लेक्चर्स पर डे के उस हिसाब से हो गया, ठीक है, 10 लेक्चर्स पर डे, 30 से क्यों करेंगे हम, 60 से करेंगे ना, 2 महीने का टाइम है हमारे पास, तो 60 से कर लो, ठीक है, तो उसका आधा हो जाएगा 5 लेक्चर्स, तो 5 लेक्चर्स तो हमारे लॉजिकली हो गए, लेकिन हम लोग कोशिश कर भी, हम हो सकता है 7 लेक्चर्स भी कर दें एक एक दिन में, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूरा यहां से इस तरीके से क्रोनोलॉजी हमारी चलेगी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन से, वी विल बी स्टार्टिंग विद द थ्योरी ऑफ मशीन्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि कैसे हमारी क्लासेस चलने वाली हैं, क्या हम लोग इसमें पढ़ाएंगे, मैंने आपको बता दिया हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस करना, उससे थ्योरी को समझना, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस करेंगे, उससे थ्योरी को समझेंगे, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, पीडीएफ्स के लिए हम लोग इसमें अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिल जाए सब्जेक्ट्स के, जो आप लोग एक्सेस कर पाएंगे अपनी एंड्रॉयड ऐप पर, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग प्लीज दूसरों को भी बताइए ताकि और लोग भी हम लोगों से जुड़े, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग जुड़ पाएंगे उतने ज्यादा बेटर तरीके से मैं आप लोगों पर साथ पहुंच पाऊंगा और बेटर कंटेंट आप लोगों के पास और आएगा, ठीक है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज डू लेट मी नो, आप मुझे बताइएगा यहां पर कि अगर आपको कोई भी चीज में डाउट है कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है डाउट, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मेल आप मुझे कर दीजिएगा, आई एम गिविंग यू माई मेल आईडी, मैं आपको अपनी मेल आईडी दे दे रहा हूं, तो टेक्निकल पूरा मैं ही हैंडल करूंगा यहां पर मैकेनिकल का, ठीक है, तो आई एम गिविंग यू माय मेल आईडी, इट इज shagun.mnnit3733@gmail.com। तो आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं मुझे इस पर मेल कर दीजिए एंड आई विल रिप्लाई बैक। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल बी स्टार्टिंग विथ The Theory of Machines on 7th of January. तो 7th of January से हम लोग अपना syllabus start करेंगे. Thank you so much for watching और MechZone को भी subscribe कर लीजिएगा and SpeedUp को, दोनों को ही subscribe कर लीजिएगा. SpeedUp पे हम cover करेंगे non-tech और MechZone, मतलब जो मेरा channel है वहां पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम Android app पर
सारी चीजें कवर करेंगे, पूरा टेक्निकल मैकेनिकल का सिलेबस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.